3052, 3053, 3054 और एक घंटे में सबसे ज्यादा पुशअप्स लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2021 में ऑस्ट्रेलिया के जेरार्ड यंग ने बनाया। क्या आपको लगता है कि आपके पास इस रिकॉर्ड को तोड़ने का दम है? अगर आपने पुशअप्स करना शुरू ही किया है तो इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। आप एक बार में कितने पुशअप्स कर सकते हैं ये आपके एंड्यूरेंस और फिटनेस का एक अच्छा इंडिकेटर है। औसतन 15 से 30 साल के स्वस्थ पुरुष को कम से कम 25 पुशअप्स करने चाहिए। इसी उम्र की फीमेल्स को करीब 20 करने चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ ही पुशअप्स करने की ताकत कम होती जाती है। अगर आपने अभी खुद को टेस्ट करने की कोशिश की है और रिजल्ट वैसा नहीं रहा जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे तो अपने आप को संभाले, आप इसे बेहतर कर सकते हैं, गारंटी है। पुशअप्स एक परफेक्ट एक्सरसाइज है जो आर्म्स और शोल्डर्स, चेस्ट, अपर बैक मसल्स, एब्स, हिप्स और लेग्स पर एक साथ काम करती है। ये आपके पोस्चर और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी सुधारते हैं, आपके जॉइंट्स और हड्डियों को मजबूत करते हैं। और जब आप रेगुलर पुशअप से अपनी बॉडी वेट का लगभग 50% से 75% तक उठाते हैं तो आपके शरीर की ज्यादा कैलोरी बर्न होती है। लेकिन ये तभी काम करता है जब आप इन्हें सही तरीके से करते हैं। आइए पहले सही फॉर्म पर काम करते हैं। प्लैंक पोजीशन में आ जाएं। अपने हाथों को अपने कंधों के नीचे रखें और इंडेक्स फिंगर को आगे की ओर रखें। अपनी कलाइयों, कोहनियों और कंधों को अलाइन करें। मुझे पता है इसमें बहुत ध्यान रखना होगा लेकिन इसका सही नतीजा मिलेगा। अपनी बाहों को सीधा रखें। अपनी कोहनी को इस तरह से लॉक न करें। अपनी बाहों और कंधों को स्टेबलाइज करने के लिए अपनी हथेलियों को फर्श पर टिकाएं। अपने पैरों को एक साथ रखें। आगे की ओर झुकना नहीं है। अपनी कोर को एंगेज करें। अपनी गर्दन से लेकर हिप्स तक एक सीधी लाइन में रहें, वरना ये काम नहीं करेगा। क्या आपको लगता है कि आप इस परफेक्ट हाई प्लैंक को एक मिनट के लिए होल्ड कर सकते हैं? अगर नहीं तो आपको हर रोज इसकी तब तक प्रैक्टिस करनी होगी जब तक आप इसे नहीं कर लेते। सही फॉर्म ही सब कुछ है, याद है? अब आप असली चीज के लिए तैयार हैं। आप पहले इंक्लाइन पुशअप्स के साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। कुछ सीढ़ियां, एक टेबल, एक डेस्क या ऐसा कुछ खोजें, दीवार भी चलेगी। इंक्लाइन को फेस करते हुए अपनी परफेक्ट प्लैंक पोजीशन में आ जाएं। ये पुशअप वेरिएशन आपकी कोहनी पर आसानी से होगा। आप कम वेट उठा रहे हैं लेकिन फिर भी अपने चेस्ट की मेन मसल्स पर काम कर रहे हैं। आपकी बाहें सीधी होनी चाहिए लेकिन कोहनियां लॉक ना हो। आप एक सीधी लाइन में हैं। बहुत बढ़िया। अब अपनी कोहनियों को धीरे धीरे मोड़ें। इनहेल करते हुए आपका चेस्ट नीचे आएगा। अपने शरीर को सरफेस से दूर पुश करें। अपनी कोहनियों को फैलाएं। ये सांस छोड़ते हुए करें। जितना हो सके उतने रेप्स के साथ शुरुआत करें। अपने आप को 2 मिनट का ब्रेक दें। 2 राउंड्स और करें। हर ट्रेनिंग के साथ ऊंचाई कम करें। जब आप परफेक्ट फॉर्म के साथ 10 रेप्स के 3 सेट्स आराम से करने लगते हैं तो आप बेसिक पुशअप्स के लिए तैयार हैं। स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। आपकी 4 आर्म्स आपकी कलाई के ऊपर एक सीधी लाइन में होनी चाहिए। कोहनी को करीब 45 से 60 डिग्री के एंगल पर टिकाएं। अगर आपको सही पोजीशन में आने में मुश्किल हो रही है तो फ्लोर पर लेट जाएं और अपने हाथ को अपने मिड चेस्ट के लेवल तक रखें। अपने हाथ को तब तक मूव करें जब तक कि आप उस पॉइंट तक ना पहुंच जाएं जहां 4 आर्म्स सीधे आपकी कलाई के ऊपर हों। अपनी पीठ को सीधी रखें। आइए देखें कि ये ऊपर से कैसा दिखता है। नहीं, ऐसा टी शेप काम नहीं करेगा। मैंने भी ऐसा ही किया था। ये आपकी पुशअप्स को कमजोर बनाता है और आपको ठीक से स्टेबलाइज नहीं होने देता है। आपको अपनी कोहनियों के साथ एक सही एरो शेप बनानी होगी। इससे आप पुशअप के दौरान अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज कर सकेंगे। इसीलिए अपने हाथों को मूव करते रहें। बस इतना ही। अब अपने हाथों और घुटनों के बल बैठ जाएं। आपके घुटने ठीक आपके हिप्स के नीचे होने चाहिए। अब हम कई मसल्स को एक्टिवेट करने पर फोकस करेंगे जो पुशअप करते समय आपके शरीर को स्टेबलाइज करने में मदद करेंगी। इस स्टेप को कभी ना छोड़ें क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि आपको एनर्जी लीक्स यानी कि स्ट्रेंथ न रहने जैसा महसूस हो सकता है। इनके कम असर करने पर आप ठीक से मूव नहीं कर पाएंगे और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकेंगे। सबसे बुरा आउटकम होने पर चोट, प्लाटोज या ऐसा लग सकता है कि फेवरेट एक्टिविटी भी छोड़ दी जाए। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपनी अपर बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए अपने नकल्स को नीचे फ्लोर पर पुश करें। अपनी चेस्ट मसल्स को सबसे ज्यादा एंगेज करने के लिए अपने हाथों को फैलाएं और उन सभी उंगलियों के बीच कुछ स्पेस छोड़ दें। अब
अपने लैट्स मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं। अपने कंधों को नीचे करें। क्या आप अपने लैट्स को महसूस कर सकते हैं? ये एक इम्पोर्टेंट स्टेबलाइजर है और आपकी पुशअप्स को और ज्यादा स्ट्रेंथ देंगे। अपने शोल्डर ब्लेड्स को खोलने के लिए फ्लोर को दूर पुश करें। आपका सिर इस तरह से आगे की ओर नहीं झुकना चाहिए। इसे कंट्रोल में रखें। अपनी चिन को पीछे खींचें और अपने सिर को अपने शरीर के साथ लाइन में लाएं। इस तरह आप अपनी गर्दन पर बहुत ज्यादा प्रेशर न डालें और ध्यान रखें कि आपकी मिड बैक मसल्स सही पोजीशन में रहें। अब अपनी पीठ को एक्टिवेट करें ताकि आपके कंधों को सही ढंग से सपोर्ट मिले। स्कैपुलर पुशअप आपकी अपर बैक को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। अपने हाथों को अपने कंधों के नीचे और अपने पैरों को एक साथ करके एक हाई प्लैंक पोजीशन में आएं। फिर से आपको सिर से पैर तक एक सीधी लाइन बनानी चाहिए। अपनी कोहनियों को मत मोड़ें। अपने हिप्स को एंगेज रखें और अपने कोर को स्टेबल रखें। हिले नहीं। अब अपने शोल्डर ब्लेड्स को एक साथ करें और अपने चेस्ट को बाहर निकालें। ध्यान रखें कि आपका सिर आगे की ओर न झुके। ये अभी तक पूरी तरह से सही पुशअप नहीं है। आपको असली चीज के लिए तैयार करने के लिए ये एक स्मॉल रेंज मोशन है। अपने शोल्डर ब्लेड्स को एक साथ ले आएं, फिर रिलैक्स करें या अपनी बैक को राउंड करें। अपनी कोर को एंगेज रखें। इस पॉइंट पर आपके शोल्डर ब्लेड के अलावा कुछ भी हिलाने की कोशिश ना करें। ठीक है, आपकी अपर बॉडी एक्शन के लिए तैयार है। आइए लोअर पार्ट को भी स्टेबलाइज करें। सबसे पहले अपने हिप्स को सही पोजीशन में लाएं। अपने टेल बोन को टक करें। हाँ, बस ऐसे ही। गहरी सांस लें। अपने कोर को एक्टिवेट करें। एक पैर पीछे करें। अपने पैर की उंगलियों को फ्लोर पर पुश करें। अब अपनी थाई को जितना हो सके उतना टाइट स्क्वीज करें। अपने पैर को जितना हो सके उतना एक्सटेंड करें और ऐसे ही रहें। अब दूसरे पैर से पीछे हटें और दूसरी थाई को स्क्वीज करें। आप पुशअप सक्सेस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पहले पुल, फिर पुश। अगर आप इस टॉप पोजीशन से नीचे हो जाते हैं तो आप स्टेबिलिटी खो देंगे और जिस इफेक्ट के लिए हम काम कर रहे हैं वो नहीं मिलेगा। अपने आप को फ्लोर पर पुल करने के लिए अपनी बैक मसल्स का इस्तेमाल करें, जैसे नाव चलाते हुए करते हैं। नीचे जाते हुए इनहेल करें। अपनी बैक को पीछे ना झुकाएं। सैगिंग बेली भी सही नहीं है। अपनी बेली बटन को अपनी स्पाइन की ओर खींचें। आप सिर से पैर तक एक सीधी लाइन में हैं। अपने पैरों को एक साथ करीब या थोड़ा चौड़ा करने की कोशिश करें, जो भी आपको ठीक लगे। आपके हाथ आपके शरीर से जितने दूर होंगे आप अपने कंधों पर उतना ही ज्यादा स्ट्रेन डाल पाएंगे, इसीलिए इन्हें अपने कंधों के ठीक नीचे रखें। वाह, आप फ्लोर पर पहुंच गए हैं। स्टार्टिंग पोजीशन पर वापस आने के लिए चेस्ट मसल्स को सिकोड़ते हुए सांस छोड़ें। अपने बॉटम और थाइस को स्क्वीज करें। आपके शोल्डर ब्लेड्स फिर से खुल जाएंगे और फिर से ना तो झुकना है और ना ही पीछे होना है। बॉडी लाइन को सीधा रखें। आपकी गर्दन एक न्यूट्रल पोजीशन में होनी चाहिए और आपकी आंखें नीचे की ओर होनी चाहिए। ना तो आपकी चिन को ऊपर उठाएं, ना ही अपना सिर नीचे करें। आपने एकदम सही किया। अब परफेक्ट फॉर्म के साथ ज्यादा से ज्यादा पुशअप्स करने की कोशिश करें। ये 10 हो सकते हैं या सिर्फ 2 भी हो सकते हैं। आप इसे सही से कर रहे हैं यही मायने रखता है। अपने पुशअप सेशन के बीच एक दिन का ब्रेक लेकर इसे करें। जब आपको लगता है कि आसान हो रहा है तो और रेप्स जोड़ें और दिन में 2 या 3 सेट करना शुरू करें। तो लेग बैंडेड पुशअप्स की कोशिश करें। स्क्वाट रैक की तरह 2 फिक्स्चर्स के चारों ओर एक बैंड बांधें। आप बैंड को जितना ऊंचा एडजस्ट कर सकेंगे आपके लिए पुशअप्स करना उतना ही आसान होगा। वेस्ट लेवल पर बैंड के साथ स्टार्टिंग पोजीशन में आएं। फिर अपने रेगुलर परफेक्ट पुशअप करें। जब आप नीचे जाते हैं तो सबसे मुश्किल पलों में बैंड आपकी मदद करेगा। ठीक इस तरह एक बार जब आप बिना किसी बैंड के पुशअप्स करने लगेंगे और आपको लगे कि ये आपके लिए बहुत आसान हो गया है तो इसे धीरे करना शुरू कर दें। नीचे जाते हुए 3 सेकंड और ऊपर आते हुए 3 सेकंड। आप बिल्कुल नीचे किसी पॉइंट पर कुछ सेकंड के लिए रुक भी सकते हैं। अगर आप हफ्ते में 3 दिन ट्रेनिंग करना चुनते हैं तो पहले दिन 12 से 15 पुशअप्स के 3 से 4 सेट करें। दूसरे दिन 8 से 10 रैप्स के 3 से 4 सेट करें और तीसरे दिन पर 20 से 25 रैप्स के 2 से 3 सेट करें। अगर आप हफ्ते में 6 दिन ट्रेनिंग करना चुनते हैं तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आप जितने ज्यादा रैप्स हो सकते हैं उसके 4 सेट करने की कोशिश करें। बचे हुए ट्रेनिंग के दिनों में आप दिन में 5 बार अलार्म सेट कर सकते हैं। आप रैप्स के जितने मैक्सिमम नंबर कर सकते हैं उसके 2 सेट करें। सेट के बीच 45 सेकंड के ब्रेक रखें।
जब आपको ऐसा लगे कि ये भी बहुत आसान हो रहा है तो आप अपने रूटीन में एक बैकपैक में वेट प्लेट या डंबल्स जोड़ सकते हैं। यहाँ बहुत सारे पुशअप वेरिएशंस हैं, आप उनसे कभी बोर नहीं होंगे।